मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। भगवान का बनाया हुआ कोई भी मीठा पदार्थ डायबिटीज वाले खूब खाएं, आदमी का बनाया हुआ कुछ ना खाएं। ये सारी खतरनाक बीमारी आदमी के बनाए हुए मीठे पदार्थ में, जिसमें वो चीनी डाल दे। गाजर भगवान की बनाई है, आप खूब खाएं। जी जूस के लिए उसके प्रिस्क्राइब है बॉटल के ऊपर 30 ml to 50 ml, आप ले 30 ml की तो जरूरत नहीं है, वो उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन दिया है, शायद वो बहुत हाई डिग्री किसी पेशेंट को ध्यान में रख के। मैं आपको कह रहा हूं कि 10 से 15 ml ही पर्याप्त है, 30 ml बहुत ज्यादा है, नॉर्मल आदमी के लिए ठीक नहीं। वो बॉटल पे इसलिए भी लिखा गया है कि बिके, सब जगह बेचने का प्रॉब्लम आ गया ना। तो आपको तो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से कि न्यूनतम दवा लेके या बिना किसी दवा के आप अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज कर सकते। तो एल्कलाइन चीजें हैं, गाजर है, आंवला है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, फिर बंद गोभी है, फिर ये आपके पास मूली है, फिर चौलाई है, फिर सरसों है जो आजकल साग के रूप में, ये सब एल्कलाइन है, सब हर्ट के लिए टॉनिक है ये सब। तो इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए भोजन में देशी घी या तो शुद्ध तेल का इस्तेमाल करते हुए, नमक बदलते हुए आप चल पड़िए जिंदगी के रास्ते पर। एक बार अगर अटैक आ चुका है पुराने किसी समय में, दोबारा कभी नहीं आएगा, और जो भी ब्लॉकेज है वो बिना किसी दवा के अपने आप ही निकल जाएगा, क्योंकि बॉडी में ब्लॉकेज बनाने की टेंडेंसी है तो निकालने की भी टेंडेंसी है। दवा खाने की इसके लिए जरूरत नहीं है, मेडिसिन की इसके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब एक आखिरी बात बता देता हूं, इमरजेंसी आ जाए, मान लो इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है, आपने जैसा मैंने कहा वैसे सब मैनेज किया आपने, ठीक है, और शायद कोलेस्ट्रॉल आपका इतना बढ़ा हुआ हो कि ब्लॉकेज 99% पहुंच गया हो, उस कंडीशन में उसको रिड्यूस होने में 6-8 महीने लगते हैं। इस बीच में कभी इमरजेंसी आ गई, तो इमरजेंसी माने अटैक ही आ गया मान लो, तो भी घबराइए मत। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 99% पेशेंट में ऑटोमेटिक बाईपास होता है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है शरीर, ऑटोमेटिक बाईपास होता है, डॉक्टर नहीं करता, खुद ही होता है। कैसे होता है, मान लो मैं थोड़ी देर फिर पुरानी बात पे आता हूं, ये एक आर्टरी है, ये पूरी तरह से बंद हो गई, अब इसमें से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये जो बंद हो गई ना, इसके पैरेलल एक खुली हुई आर्टरी रहती है हमेशा, हर एक आर्टरी के पैरेलल एक दूसरी है, हर एक वेन्स के पैरेलल एक दूसरी वेन है, वो उसी समय के लिए भगवान ने दे रखी है कि ये बंद हो जाए तो दूसरी अपने आप खुल जाएगी, ऑटोमेटिक बाईपास हो जाएगी। इसलिए घबराइए मत, डरिए, भगवान ने बहुत सुरक्षा बनाई है आपके लिए। अब जान के रखिए इस बात को कि हो सकता है ऑटोमेटिक बाईपास हो जाए और आप डॉक्टर के एडमिट हो, डॉक्टर को भी मालूम है कि इनका बाईपास हो चुका, फिर भी वो कहेगा कि आपको तो बाईपास करना है, तो वो यहां से काट के फिर सिल देगा और कहेगा मैंने बाईपास कर दिया, मुझे पैसे दे दो। और हो सकता है उसने कुछ नहीं किया हो, क्योंकि बाईपास तो ऑटोमेटिक हो चुका है। ये सभी के शरीर में होता है, हर एक व्यक्ति के शरीर में होता है, हृदय की व्यवस्था ऐसी भगवान ने बनाई है। तो ऑटोमेटिक बाईपास 99% केसेस में होता है, 1% केस में नहीं हो पाता जब हार्ट फेल हो जाता है, उसी समय नहीं हो पाता, बाकी तो अटैक में तो होता ही है, इसलिए वहां भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि मान लीजिए इमरजेंसी है, आपको बहुत तेज पेन हो रहा है एंजाइना का माने अटैक का, रात के 2:30-3 बजे के आसपास ही आता है, क्यों आता है वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। शरीर के जितने ऑर्गन्स है ना, इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, इन सब का वर्किंग जो काम करने का एक खास समय है, एक खास समय पर हार्ट बहुत ज्यादा काम करता है, एक खास समय पर किडनी ज्यादा काम करती है, एक खास समय पर लीवर ज्यादा काम करता है, उसकी मैंने लिस्ट दी है बाहर, एक किताब है, 2 किताबों में ये लिस्ट है पूरी, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ और अहिंसात्मक चिकित्सा, 2 किताबों में हर एक ऑर्गन का टाइम पीरियड मैंने दिया हुआ है कैलकुलेट करके कि ये हार्ट है इसके काम करने का समय ही है 2:30 से 4:30 बजे तक, ये ज्यादा काम करता है, बाकी समय काम नहीं करता ऐसा नहीं है, कम करता है। इसी तरह किडनी का समय है, इसी तरह लीवर का समय है। तो जब ज्यादा काम करने का समय है हार्ट का, अटैक उसी समय आएगा, तो
तो ज्यादातर अटैक 99% सुबह 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में ही आते हैं। उस समय के लिए क्या करें? बहुत तेज पेन होगा, बहुत तेज तकलीफ आएगी। तो मैं आपको एक दवा का नाम बताता हूँ, वो सब नोट करके रखें। ये रामबाण दवा है, बहुत सस्ती आती है, होम्योपैथी की दुकान में ये मिलेगी। इस दवा को आप इस्तेमाल करें जैसे सॉर्बिट्रेट इस्तेमाल करते हैं। सॉर्बिट्रेट के बारे में आप जानते हैं, गोली है जो जीभ के नीचे डॉक्टर कहता रख लो। ये एक दवा ऐसी ही है होम्योपैथी में, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, आपको मरने से तो बचा ही लेगी। उस दवा का नाम है एकोनाइट, ACONITE, एकोनाइट। इसके आगे एक नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलेगी, 200 लिख दीजिए, एकोनाइट 200। ये लिक्विड फॉर्म में 5 मिलीलीटर की शीशी खरीद के रखिए, 10 रुपए की आती है, और उतनी शीशी से 100 लोगों की जिंदगी आप बचा सकते हैं। क्या करना है इसको? जब बहुत तेज एंजाइना का पेन है, हर्ट एरिया में, हर्ट रीजन में बहुत तेज पेन हो रहा है, इस दवा की एक बूंद जीभ पर डाल दीजिए पेशेंट की, एक ही बूंद, 5-7 मिनट में ही वो कहेगा हाँ हाँ बहुत रिलीफ हो गया, ठीक है। फिर एक और बूंद डाल दीजिए 5-7 मिनट के बाद, फिर कहेगा और रिलीफ हो गया, और एक बार डाल दीजिए। बस 3 बार डाल के छोड़ दीजिए और भूल जाइए, और उसको भी कह दीजिए कि तुम भी भूल जाओ, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, एंजियोग्राफी भी कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कराना चाहें तो पैसे ही खर्च होने वाले हैं आपके, और कुछ उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। आपने उसको रोक लिया मरने से। अब क्या करना है वो मैं पीछे सब बता चुका हूं। उसका घी बदलवाइए, उसका तेल बदलवाइए, उसका दूध बदलवाइए। भैंस का पी रहा है तो गाय का लाइए, घी ला रहा है तो गाय का लाइए, फिर उसको कहिए नमक बदलो, फिर छिलके वाली दालें शुरू करो, छिलके वाली सब, ये सब उसको शुरू कर दीजिए उसकी डाइट, और 5-6 महीने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आपको हर्ट और हर्ट से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में दी है। अब एक आखिरी जानकारी और दे देता हूँ कि हमारे रसोई घर में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इन सब काम को बड़े आसानी से करती है। हार्ट में अगर ब्लॉकेज आ गया तो उसको निकालेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको घटाएगी, कचरा जमा हो गया खून में तो उसको साफ करेगी। उस मेडिसिन का नाम है मेथी दाना, मेथी दाना बारीक। ये जो मेथी दाना है पीला पीला होता है, खाने के बाद देखेंगे तो बहुत कसैला होता है, कड़वा होता है, ये बहुत अच्छा टॉनिक है हार्ट के लिए। मेथी दाना नियमित रूप से हर उस पेशेंट को देना है जिसको अटैक आने की संभावना है या आ चुका है। एकोनाइट तो दही दिया, वो तो उस समय के लिए बच गया, भगवान की दुआ हो गई उसके ऊपर, ऐसा समझ लो। हाँ, जो बारीक होता है वो काम का है, जो बड़ा वाला है वो अचार के काम का है, छोटा मेथी दाना वही काम का है। अब इसको खाना कैसे है? हर उस पेशेंट को ये देना पड़ेगा जिसको ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, कचरा जमा हो गया, कीचड़ भर गया, उसको साफ करने के लिए 1 चम्मच छोटा वाला मेथी दाना 1 गिलास गर्म पानी में रात को रखना, रात भर उस पानी को रखना, सवेरे वो पानी सिप सिप करके पीना, क्योंकि पानी पीने का नियम जो बताया वो ध्यान रखना, और मेथी दाना चबा के खाना, बस इतना सा काम। नहीं, बिल्कुल नहीं। रात को गर्म पानी में 1 गिलास, कांच का गिलास रहना चाहिए, उसमें 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, छोटा मेथी दाना वो डाल के रख दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए, सवेरे पानी को सिप सिप करके पी लीजिए और उस दाने को चबा के खा लीजिए। हाँ, डालते समय पानी गर्म जरूरी है, दोबारा पीते वक्त पानी गर्म करने की जरूरत है, क्योंकि वो मेथी से ही बहुत गर्म हो चुका है, तासीर बदल जाती है उस पानी की, रंग बदल जाता है, आप देखेंगे पानी पीला हो जाएगा। लगभग 3 से 4 महीने लगातार, 90 से 120 दिन लगातार। फिर क्या करना है?
90% केसेस तो इतने में ही ठीक हो जाते हैं, 90 से 120 दिन में, लेकिन 10% केसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उनको शायद ज्यादा चलाना पड़ेगा। तो मेथी दाने का एक नियम है वो ये कि 90 से 100 दिन देने के बाद 15-20 दिन के लिए उसको ब्रेक दे दी जाए, 15-20 दिन के लिए, और फिर वापस 90 दिन चला सकते हैं। तो दो बार से ज्यादा शायद रिपीट मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं किया, दो रिपीटेशन में ही सब क्लियर करते हैं। अब मेथी दाने में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो खून को बहुत अच्छे से साफ करते हैं, साफ माने खून में जो कीचड़ वाला हिस्सा है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो सब खत्म कर देते हैं मेथी दाने के केमिकल्स। तो ये हमारे रसोई की बहुत अच्छी एक दवा है। और एक अच्छी दवा बता देता हूं इसी के साथ, चाहे तो वो ले सकते हैं, नहीं तो ये या वो, दोनों में से कोई एक ले सकते। स्वामी जी अक्सर वो आपको बताते हैं लौकी का रस, ये लौकी का रस भी वही काम करता है जो मेथी दाना करता है। लौकी का रस आप जानते हैं, छिलका नहीं उतारना, लौकी के छोटे टुकड़े करके कद्दूकस में पीस के उसमें या मिक्सर में पीस के रस निकाल लेना, उस रस में तुलसी पत्ता, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, ये कम से कम 5 से 10, तीनों, 5 पत्ते धनिया, 5 पत्ता पुदीना, 5 पत्ता तुलसी, या 10 पत्ते धनिया, 10 पत्ता पुदीना, 10 पत्ते तुलसी, ये तीनों मिक्स करके चटनी बना के, चटनी माने उसमें कुछ मिलाना नहीं, खाली पीसना, पीस के उसको रस में मिलाना, लौकी के रस में, और इस रस की मात्रा 1 कप, 1 कप, 1 कप माने 150 ml। फिर से रिपीट करता हूं, लौकी का रस निकालना है बिना छिलका उतारे, और उसमें 5 से 10 पत्ते धनिए का, 5 से 10 पत्ते पुदीने का, 5 से 10 पत्ते तुलसी का, तीनों पीस के डालना है, 1 कप रस होगा और इसमें तीनों पत्ते पीस के डाल दिए। अब ये पीना है, इसको सबसे अच्छा पीने का समय है सवेरे खाली पेट, और अगर सवेरे खाली पेट कोई नहीं पी पाता, कारण कुछ भी हो उसका, तो दोपहर को खाने के बाद तो जरूर लेना है, शाम को ये नहीं ले सकते। सवेरे तो खाली पेट पानी ही पीने की तरह, तो कितना देर बाद? तो पानी पीने के लगभग 40 मिनट बाद, 40 से 45। एलोवेरा का जूस भी है जो बनाना घर में, वो भी हाँ, उसमें और 40 मिनट जोड़ दीजिए, पानी ले लीजिए, एलोवेरा जूस ले लीजिए, फिर 40 मिनट जोड़ के और आप ये रस ले लीजिए लौकी का, और अगर कुछ लेना है तो 40-45 मिनट गैप रखिए, हर एक दवा से दूसरी दवा के बीच में 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का गैप बहुत जरूरी है।